दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के आन पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए मई 2020 के तीसरे सप्ताह की 20 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। इस सप्ताह के इन्फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। 25,000 से ज़्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक रोजगार समाचार के लेटेस्ट अपडेट है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन भागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं मई 2020 के थर्ड वीक की टॉप 20 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अंतर्गत साइंटिस्ट बी की भर्ती निकली है। 167 खाली पद है। ग्रेजुएट डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 28, 31 और 33 वर्ष अलग अलग कैटेगरी के लिए आयु सीमा है। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। RAC.gov.in या फिर DRDO.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 जुलाई 2020 है। उसके बाद दोस्तों, जो सेकेंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, आम रिजर्व सब इंस्पेक्टर, स्पेशल रिजर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। बम्पर भर्तियां निकली है। वहीं बात क्वालिफिकेशन की जाए तो 12वीं पास और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है rec19.ksp-online.in या फिर ksp.gov.in। इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन कर सकते हो। आवेदन स्टार्ट होंगे 26 मई 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर AJE की भर्ती निकली है। 567 वैकेंसीज है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है APSC.NIC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 16 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी पुलिस डिपार्टमेंट में निकली है। पोस्ट है प्लाटून कमांडर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर, सिविल डिफेंस JR, सिविल डिफेंस डेमोनिस्ट्रेटर, वायरलेस ऑपरेटर या PBX ऑपरेटर की बम्पर वैकेंसी निकली है। 14,000 से 49,000 सैलरी है। 12th और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 15 जून 2020 है। असम जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों, जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रूरल लाइवलीहुड मिशन में। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, यंग प्रोफेशनल, डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एक्सपर्ट, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वेरियस वैकेंसीज निकली है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 23 से 45 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है SRLMS.assam.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों, जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। 109 वैकेंसीज है। मेडिकल क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 30 से 50 और 30 से 45 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है UKMSSB.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 8 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों, जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्वास्थ्य विभाग में। मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है। 380 वैकेंसीज है। वहीं बात योग्यता की जाए तो MBBS डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 23 से 35 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है JPSC.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों, जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, DEO, ऑफिस मैसेंजर, पियोन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 187 वैकेंसीज है। 10th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट BBTech डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 27, 28, 35, 55 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है WCDDL.in या फिर camps.WCDDL.in पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन 31 मई 2020 तक कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी हेल्थ डिपार्टमेंट में निकली है। मेडिकल ऑफिसर के 208 खाली पद है। MBBS डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है cghealth.nic.in का ऑफिशियल पोर्टल है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। पोस्ट एडवाइजर, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर की वेरियस वैकेंसीज है। इस भर्ती के लिए भी मैक्सिमम आयु सीमा 56 वर्ष है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BBTech डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। FSSAI.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट 31 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 11th नंबर पर जॉब निकली है वो निकले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में। इंजीनियर की भर्ती है। वेरियस वैकेंसीज है। BBTech, CA, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA डिग्री इन लॉ से आप अप्लाई कर सकते हो। 65 ईयर्स मैक्सिमम आयु सीमा है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। HRRL.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत भर्ती निकली है। वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, ग्रेड 4 अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, पीओन दफ्तरी, स्ट्रक्चर बैरियर स्वीपर, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, कुक, एनिमल अटेंडेंट, धोबी, वाशरमैन, पैकर, वर्कशॉप वर्कर की भर्ती है। 188 वैकेंसीज है। 8वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। dme.assam.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 13 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी DME में निकली है। पोस्ट है स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑडोमेट्री टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डार्क रूम असिस्टेंट, कारपेंटर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और भी पोस्ट है। सभी के लिए 331 वैकेंसीज है। इस भर्ती के लिए 10वीं 12वीं ITI, BSc नर्सिंग, GNM डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 14 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में। राजस्व विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली है। 1121 पद खाली है। 12वीं डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है landicos.karnataka.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 15 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में। पोस्ट है मल्टी टास्किंग स्टाफ, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट्स असिस्टेंट, सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, सीनियर लीजन असिस्टेंट, सिस्टम एनालिस्ट, मैनेजर, ग्रांट्स एडवाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर की वेरियस वैकेंसीज निकली है। 10th ग्रेजुएट, BCom, BBA, CA, MTech, BTech, MSc, MCA, MBA, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 30, 35, 45, 50 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rcv.rs.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट 29 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 16 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत निकली है। पोस्ट है अकाउंटेंट्स, अकाउंट असिस्टेंट, कैशियर, लोअर डिवीजन असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर कम क्लर्क, DTP ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, स्टोर कीपर कम क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, रिकॉर्ड कीपर कम कलर कंप्यूटर ऑपरेटर, रिकॉर्ड क्लर्क, स्टेटिस्टिशियन, कोडिंग क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर की 79 वैकेंसीज है। इस भर्ती के लिए 12th BCom, MSc डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 17 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में। फैकल्टी की भर्ती है। वेरियस वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ष आयु सीमा है। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 18 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर, सीनियर सिस्टम ऑफिसर की भर्ती निकली है। वेरियस वैकेंसीज है। 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। डिप्लोमा BBTech, MCA, MTech से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। आंध्र प्रदेश जॉब लोकेशन है। sc.ap.nic.in इस पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए 26 मई 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 19 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत सपोर्ट स्टाफ पियोन की भर्ती निकली है। वेरियस वैकेंसीज है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है।
ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सांबलपुर ओडिशा जॉब लोकेशन है, sambalpurdccb.com। इस पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए 25 मई 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 20 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मेसी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की भर्ती निकली है। 353 वैकेंसीज है। 10th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 और 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, uprvunl.org पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट 25 मई 2020 है। तो दोस्तों ये थी मई 2020 के तीसरे सप्ताह की 20 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी आपको यहीं पर लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही अपडेट अपलोड करते हैं।